हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक है एक नए वीडियो में प्यारे दोस्तों यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या किसी भी सब्सिडरी पेपर का सजेशन चाहिए तो प्यारे दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी ऑनर्स पेपर तथा तो सब्सिडरी पेपर का सजेशन बिल्कुल निशुल्क दिए जाते हैं और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना आइए प्रारंभ करते हैं बी ए द्वितीय वर्ष बी ए सेकेंड ईयर या बी ए पार्ट टू में यदि आपने जोग्राफी बोले तो भूगोल जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आपको जोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में हंड्रेड में हंड्रेड मार्क्स दिल आने वाला है टारगेट विद शिवम यानी कि मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो आपके एग्जाम में लगातार दस वर्षों से लिए पूछे जा रहे हैं अब आपका सवाल आता होगा सर ये दस वर्षों से लगातार क्यों पूछे जा रहे हैं क्योंकि जोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में इससे बेहतरीन सवाल एक भी नहीं है इसीलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराने का काम किया जाता है यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर जो है जोग्रफ़ी यानी कि भूगोल के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने मात्र से ही याद होने वाले हैं तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने आसान तरीकों से इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया है ठीक है मेरे द्वारा जो आपको आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे ठीक है आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे ये सारे प्रश्न बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे तो प्यारे दोस्तों इस दस मिनट के वीडियो में हंड्रेड मार्क्स की गारंटी ली जा रही है तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लीजिए तो प्यारे दोस्तों प्यारे से कॉपी में जल्दी से इन सवालों को लिखिए फिर वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे कुल मिलाकर एक मिनट में पीडीएफ के फॉर्मेट में आप प्राप्त कर पाओगे पहला सवाल यहाँ पर यह है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र की विवेचना करें ठीक है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र की यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस वर्ष भी बिल्कुल पूछे जाएंगे जल्दी से आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखिए अथवा में पूछ दिया जाता है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए ठीक है मानक भूगोल एवं जना के बीच संबंध व्याख्या कीजिए अथवा में यह भी आ सकता है मानव भूगोल की परिभाषा दे इसके क्षेत्र का वर्णन करें मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए प्यारे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल उम्मीद करता हूँ अपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा ठीक है और वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे और मेरे द्वारा जो आपको आंसर दिए जाएंगे उसे सेम टू सेम आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो उत्तर लिखने की इस कला को देखकर आपके जो एग्जामिनर हैं यानी कि कॉपी जो जांच करेंगे उनके द्वारा भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं करे दोस्तों दूसरा सवाल आपका मानव के बदलते आर्थिक क्रियाकलापों की विवेचना करें ठीक है आज से करीब सौ वर्ष पहले मानव किस प्रकार रह रहे थे और अभी देखो किस प्रकार रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रियाकलाप में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है एक समय था कि दूर दूर तक आपको एक भी टेलीविजन या मोबाइल देखने को नहीं मिल रहा था परंतु तो अभी प्रत्येक घर में कम कभ से कम चार या पाँच सेलफोन यानी कि मोबाइल देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक क्रियाकलाप जो है बदलते जा रहे हैं ठीक है बदलते जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में लिखने के लिए कह रहा है ठीक है और क्वेश्चन नंबर तीसरा है स्थानांतरित कृषि पर एक निबंध लिखे यहाँ पर जितने भी सवाल देख रहे हो सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं स्थानांतरित कृषि पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है और हस्तांतरिक कृषि पर एक टिप्पणी लिखिए देखिए ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है ठीक है इनका उत्तर भी बिल्कुल सेम होगा परंतु आपसे कभी ये पूछ दिए जाएंगे तो कभी ये ठीक है ये बात को ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका स्कीमो के जीवन कृत स्कीमो के जीवन कृत एवं क्रियाकलापों का वर्णन करें ठीक है स्कीमों के कृत एवं क्रियाकलापों का वर्णन करें स्कीमों के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था एवं समाज का विवरण दीजिए तो ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है ठीक है उत्तर भी बिल्कुल सेम होगा परंतु कभी ये पूछ दिए जाते कभी ये ठीक है थीके? कान इधर से पकड़ते या उधर से बात बिल्कुल क्या है बराबर है इक्वल है ठीक है तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए आप उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आप प्यारे से कॉपी में लिखते जा रहे होंगे क्योंकि लिखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मजबूरी है आंसर के पीडीएफ में सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे तो सवाल को अपने कॉपी में लिख लेना है ठीक है क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है आपका यहाँ पर देख पा रहे गोंड के निवास क्षेत्र जी हाँ दोस्तों गोंड एक जाति है इसका निवास क्षेत्र एवं भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें ठीक है गो यहाँ पर देख सकते हो अथवा में कहा जा रहा है गोंड की जीवन शैली की व्याख्या कीजिए ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है ठीक है जीवन शैली में आ जाता है आपका निवास क्षेत्र भौतिक तथा संस्कृति ये तीनों आ जाता है और कुल मिलाकर यहाँ पर जो है शॉर्टकट में बोला गया जीगौंड के जीवन शैली तो दोनों सवाल बिल्कुल सेम है उत्तर भी बिल्कुल सेम होंगे परंतु कभी ये पूछ दिए जाते हैं कभी ये तो आपको दोनों सारे दोनों प्रश्न लिख लेने हैं ठीक है ताकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको ये ना हो कि अरे ये तो प्रश्न बिल्कुल नया पूछ दिया इसका उत्तर क्या होगा है? तो इसी ये सारे सवाल आपके मन में नहीं चलने चाहिए क्वेश्चन नंबर छठा जो है काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ की विवेचना करें प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ की विवेचना करें आए दिन आपके आसपास बाढ़ आते ही रहते हैं ठीक है इसे हम प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं तो प्राकृतिक आपदा के रूप में आपको बाढ़ के बारे में जो है व्याख्या करना है ठीक है ये जो है कैसी मानव द्वारा ये आपदा नहीं लाई गई है कहीं ना कहीं ये, कही कही ये प्रकृतिक आपदा है ठीक है इसे भगवान के द्वारा लाया गया है तो इस आपदा के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है प्रकृति आपदा क्या है प्राकृतिक आपदा क्या है ये सर्वप्रथम आपको जानना है ठीक है इसके बाद बाढ़ आपदा की क्षेत्रीय विवेचना करें तो यहाँ पर देख सकते हो ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें ठीक है जनसंख्या वितरण को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर आठवां देख सकते हो जनसंख्या वितरण में आर्थिक कारक का वर्णन कीजिए ठीक है जनसंख्या वितरण में आर्थिक कारक का क्या महत्व है इसके बारे में यहाँ पर व्याख्या करना है अथवा में पूछ दिया जा सकता है जनसंख्या वितरण के भौतिक आर्थिक सामाजिक की व्याख्या के ठीक है ये सवाल काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उम्मीद करता हूँ आपने अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा यदि नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि ये सवाल बिल्कुल पूछ जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर नाइन है मानव की आर्थिक क्रिया क्रियाओं में मत्स्य उत्पादन की विवेचना कीजिए ठीक है मानव की जो आर्थिक क्रिया है हमारा जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें मत मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है ठीक है मानव की आर्थिक क्रियाओं में मछली उत्पादन की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर टेन है प्रजाति के आधार पर प्रजाति के आधार पर मानव के प्रकार की विवेचना कीजिए प्रजाति के आधार पर मानव किस प्रकार में आते हैं इसके बारे में आपको व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर अलेवन जो है काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं पर्वतीय पर्यावरण में पर्वतीय पर्यावरण में मानव की क्रियाकलाप की विस्तृत व्याख्या करें ठीक है पर्वतीय प्रिया, पर्यावरण में ठीक है आप आपने सुना होगा ये पहाड़ी आदमी है पहाड़े के क्षेत्र से आए हुए हैं तो पहाड़ यानी कि पहाड़ के पर्यावरण में मानव की क्रियाकलाप किस प्रकार क्रियाकलाप रहता है वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में मनुष्य किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना पर्वतीय प्रदेश में मानव की क्रियाकला ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है उत्तर भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं ठीक है तो आप दोनों प्रश्नों को अच्छे ढंग से लिख लो गे से कॉपी में का, इन प्रश्नों का कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मनुष्य रहते हैं उनका जीवन का उनके रहने का रहन सहन का जीवन शैली क्या उनकी दिनचर्या किस प्रकार होती है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है तो प्यारे दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते दे हो दे तो या इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ लेते हो अच्छे ढंग से तो आपको ये बात अवश्य ज्ञात हो जाएंगे कि पर्वत क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनका मतलब रहने का क्या मतलब साधन है किस प्रकार रह रहे हैं आप उसकी जानकारी प्राप्त कर पाओगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है देख सकते हो आप सभी भारत में जनजातीय समूह की व्याख्या करिए भारत में जो जनजातीय समूह है वो किस प्रकार है इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है ठीक है सूखा एवं सूखा एक प्राकृतिक आपदा के रूप में विश्लेषण कीजिए ठीक है कभी कभी मान के चलो कि हमारे इलाकों में बारिश नहीं होती है कभी कभी हमारे इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है किसान जो है परेशान हो जाते हैं तो इसे प्राकृतिक आपदा में हमको जोड़ना है सुखार को प्राकृतिक आपदा में जोड़कर इसके बारे में व्याख्या करना है प्यारे दोस्तों ठीक है जिस तरह बाढ़ को हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा के रूप में जोड़ के उसके बारे में व्याख्या करी उसी प्रकार सुखाड़ को भी प्राकृतिक आपदा के रूप में जोड़ के इसको यहाँ पर व्याख्या करना है अति आबादी यानी कि अत्यधिक आबादी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है अभी जो है आबादी बढ़ती जा रही है बात कर ले इंडिया की तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में अभी एक नंबर में चल रहा है आबादी के रूप में जनसंख्या के मामले में ठीक है जनसंख्या के मामले में हमारा भारत चीन को भी पीछे छोड़ते हुए अभी नंबर एक के पोजिशन पर है तो प्यारे दोस्तों अति आबादी के सिद्धांत की व्याख्या करें और आबादी से संबंधित सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो प्यारे दोस्तों आबादी से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है प्रवास की परिभाषा दे ठीक है प्रवास की परिभाषा दे इसके प्रकार का वर्णन करें ठीक है प्रवासी मजदूर आप लोगों ने कोरोना काल में ये बात अवश्य सुना होगा प्रवासी मज़दूर प्रवासी मजदूर का मतलब ये होता है प्रवास का मतलब ये होता है एक जगह से जाके दूसरे जगह पर बस जाना रह जाना वहाँ से अपनी रोजी रो रोजगार करना तो उसे हम प्रवास की परिभाषा के रूप में जोड़ सकते हैं प्रवास की परिभाषा दें इसके प्रकारों का वर्णन करें प्रकार इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपका भोजन की प्राप्ति में के रूप में आर्थिक क्रियाकलाप का वर्णन करें ठीक है भोजन प्राप्ति के रूप में आर्थिक क्रियाकलाप का यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपका पठारी प्रदेश में वातावरण प्रभाव का वर्णन कीजिए ठीक है हम लोगों ने पहाड़ों के बारे में पहाड़ों के बारे में जानने का प्रयास किया पहाड़ में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं रहन सहन क्या है इसके बारे में जानने का काम किया परंतु तो पठारी प्रदेश में पठारी प्रदेश में और पठारी प्रदेश का वातावरण किस प्रकार है इसके प्रभाव क्या क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण का वर्णन कीजिए जो कि काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है आपका भूस्मन के जीवन एवं शैली के बारे में लिखिए बूसमन के जीवन एवं उसका रहन सहन क्या है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है प्राकृतिक आपदा के रूप में तरित का वर्णन कीजिए ठीक है प्राकृतिक आपदा के रूप में तरित का वर्णन कीजिए ठीक है तो प्राकृतिक आपदा से आपके सामने तीन सवाल पूछ रहे हैं प्राकृतिक आपदा को बाढ़ के रूप में विश्लेषण कीजिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है इसके बारे में आपको बताना सुखार एक प्रकृतिक आपदा है इसके बारे में बताना वही तड़ित जो है एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इस, इसे आप वर्णन कीजिए ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है अनुकूलम आबादी पर एक टिप्पणी लिखिए है अनुकूलन आपदा पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है तो प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आपने इन प्रश्नों को अपने प्यारे से को नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके आप इन प्रश्नों को अवश्य लिखे लीजिए क्योंकि इस दस मिनट के वीडियो में हंड्रेड मार्क्स की गारंटी ली जा रही है तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूँ यूँ ही जाने नहीं दिया जा सकता और मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर जितने सवाल मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया साझा कि ये सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं ठीक है ये सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है इन सवालों को अपने प्यारे से कॉपी हमें जल्दी भी जल्दी से लिख लेना है ठीक है अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे आप आंसर दो माध्यम से प्राप्त करोगे पहला माध्यम यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी हाँ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर जोग्राफी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफी आसान और सरल शब्दों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे ठीक है दूसरा तरीका मैं बताता हूँ यदि आपको आंसर का पीडीएफ चाहिए इन सभी प्रश्नों के आंसर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दरखा है सभी बच्चों को क्या करना है टेलीग्राम को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लेने है वहाँ पर आपको किसी भी समय इन सभी प्रश्नों का आंसर का पी देखने को मिल सकता है तो ये सारे बिल्कुल निःशुल्क हैं आपको एक भी रुपये देने नहीं होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी सब्जेक्ट का जो है सजेशन मिल सके और आप भी लाभ उठा सको और आपके दोस्त जितने भी हैं उनको भी शेयर कर देना ताकि वो भी लाभ उठा सके कर भुला तो हो भला तो प्यारे दोस्तों सभी को शेयर कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय एंड टेक केयर